हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनोमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेटर जिसको कहा जाता है ब्लू। और यहाँ पे बी किसको शो करता है, बेस्ट को, एल लीनियर, ई अनबायस्ड, जो यू है वो अनबायस्ड को, और ई एस्टीमेटर। तो हमारे पास, हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमें फंक्शन दे रखा है, रिग्रेशन फंक्शन, जिसमें क्या दे रखा है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। यहाँ पे वाई आई जो है किसको डिनोट कर रहा है, वाई आई जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स आई। एक्स आई क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ जो एप्सिलॉन आई है इसको म्यू आई से भी डिनोट करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इसको डिस्टर्बेंस टर्म भी कहा जाता है या फिर एरर टर्म भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास बीटा वन और बीटा टू जो है ये दो पैरामीटर्स हैं, और ये इनकी वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओएलएस एस्टीमेटर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ टू अननोन पैरामीटर्स बीटा वन एंड बीटा टू इज एस्टीमेटेड विद लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन फंक्शन। लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेटर्स को हम ब्लू कहते हैं। ब्लू का मतलब क्या हो गया, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेटर, इसको गॉस मार्कोव थ्योरम भी कहा जाता है। अब जो एस्टीमेटर, जो मतलब बीटा वन और बीटा टू जो एस्टीमेटर जो है, अननोन पैरामीटर्स हैं, ये कब ब्लू होंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो अब हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है अनबायसनेस। अब इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक बीटा दे रखा होता है और एक कई बार बीटा हैट, मतलब बीटा भी दे रखा होता है और बीटा हैट भी दे रखा होता है। तो बीटा का मतलब ये होता है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू या जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं या मीन है, वो हम किससे लेते हैं, जब पॉपुलेशन से लेते हैं। पॉपुलेशन से जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो उसको क्या, किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। और जब यही एक्सपेक्टेड वैल्यू हम किससे लेते हैं, सैंपल से लेते हैं, या एक्सपेक्टेड मीन जो सैंपल से लेते हैं, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, बीटा हेड से डिनोट करेंगे। अब अनबायसनेस जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो हमारे एस्टीमेट्स हैं, जो हमने एस्टीमेट्स लिए हैं, वो कब अनबायस्ड होंगे, जब हमारा पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मतलब कैसे चेक करेंगे हमारा अनबायसनेस है या नहीं है, टू चेक द बायसनेस वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट एंड बीटा, मतलब बीटा हैट किसके वैल्यू होगी, सैंपल से, और बीटा पॉपुलेशन से। इन दोनों की वैल्यू का हम डिफरेंस देखेंगे, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हैट, मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने सैंपल से ली है, वो किसके इक्वल हो जाती है, पॉपुलेशन के मीन के इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, अनबायसनेस है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अनबायसनेस कब होगी, जब बायसनेस जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेटर में जो अनबायसनेस है वो कब होती है, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट किसके इक्वल हो जाती है, बीटा के इक्वल हो जाती है, मतलब सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तब हम कहते हैं जो एस्टीमेट्स हैं वो अनबायस्ड अनबायस्ड है। अब आती है हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी, मिनिमम वेरिएंस। मिनिमम वेरिएंस मतलब बेस्ट, हम ऐसे लिख रहे हैं ब्लू, बी एल यू ई, इसमें बी किसको डिनोट कर रहा है, बेस्ट को। तो बेस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम वेरिएंस जब होगा, एन एस्टिमेट इज सेट टू बी बेस्ट व्हेन इट हैज मिनिमम वेरिएंस। मिनिमम वेरिएंस का मतलब क्या होगा, बेस्ट। और एफिशिएंट एस्टीमेटर कब होगा, जब ये दोनों प्रॉपर्टी, फर्स्ट टू प्रॉपर्टी जो है उनकी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाती है। मतलब अनबायसनेस की कंडीशन क्या है हमारे पास, जो मीन वैल्यू एक्सपेक्टेड, जो वैल्यू हम सैंपल से ले रहे हैं, एक्सपेक्टेड मीन जो सैंपल से ले रहे हैं, वो किसके इक्वल हो जाता है, पॉपुलेशन के मीन के इक्वल हो जाते हैं, तो अनबायसनेस। और दूसरी प्रॉपर्टी बेस्ट, बेस्ट कब होता है, जब मिनिमम वेरियंस, जब ये दोनों कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है, मतलब अनबायसनेस और बेस्ट की कंडीशन
फुलफिल हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, ये एफिशिएंट एस्टीमेटर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है लीनियर एस्टीमेटर। इसका मतलब है लीनियरिटी ऑफ बीटा एंड बीटा हैट विद रिस्पेक्ट टू वाई। उसके बाद आता है हमारे पास बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेटर जो पूरा है। एंड कब कहा जाता है, एन एस्टीमेटर इज सेट टू बी ब्लू व्हेन इट इज अनबायस्ड होगा, उसका मिनिमम वेरियंस होगा और वो लीनियर भी होगा, तब हम कहेंगे कि ये जो है ब्लू है। बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेटर की ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है।